नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा पुलिस ने 7 ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार, एमजे में मेडिकल के बाद भेजा जेल। भाजपा के 3 विधायकों को सदन के बाहर किए जाने के खिलाफ भाजपाइयों में गुस्सा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मानगो में पुलिस के जवान समेत 2 लोगों की हत्या का एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। और राज्य में पेशा कर कानून को लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल मार्च कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा पुलिस ने 7 ब्राउन शुगर के तस्कर को गिरफ्तार किया है, एमजीएम मेडिकल के बाद उन्हें जेल भेजा गया। सीताराम डेरा पुलिस ने नशा के खिलाफ अभियान चलाते हुए 7 ब्राउन शुगर के तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोगों को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया गया है। इधर भाजपा के 3 विधायकों को सदन से बाहर किए जाने के खिलाफ भाजपाइयों में गुस्सा है। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के 3 विधायकों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किए जाने के मुद्दे पर राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर गुरुवार को धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इधर जमशेदपुर में भी भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य में हर तरफ अराजकता का माहौल है, महिलाओं के साथ आए दिन हिंसा हो रहे हैं, राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सदन में रोजगार के मुद्दे पर सवाल करने पर भाजपा विधायकों का अपमान किया जा रहा है, भाजपा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि 6 समन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, राज्य सरकार से सवाल करने पर भाजपा विधायकों का अपमान किया जा रहा है, भाजपा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उद्योग विरोधी मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि ईडी ने 6-6 समन दे दिया, लेकिन हेमंत सोरेन जी ईडी के दरवाजे जाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो चोर हैं, इसलिए तो चोरी के दरवाजे से सरकारी सुरक्षा खाकी वर्दी वाला को लेके ईडी ऑफिस पार करके चल जाते हैं, लेकिन ईडी के यहाँ नहीं जाते। आज हम लोग यहाँ आए हैं जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे। हमारे 3 विधायक बिरंची नारायण जी, जेपी पटेल जी और भानु प्रताप साई जी ने जब विधानसभा में आवाज़ उठाया तो मार्शल के बदौलत एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को घसीट करके विधानसभा से बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया, एक महतो को बेइज्जत किया गया, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को बेइज्जत किया गया। निर्मल महतो का समाधि स्थल में मैं उनकी धरती को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 रोजगार नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, आप नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा दीजिए और नहीं तो अपने वादे को पूरा कीजिए, नहीं तो अब युवा मानेगा नहीं, रोड पे उतर के आप जहां जहां जाइएगा आपको काला झंडा दिखाएगा। उधर राज्य में पेशा कर कानून को लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। राज्य में पेशा कर कानून को लागू करने की मांग को लेकर 11 प्रखंडों के प्रतिनिधिमंडल सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किए। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। हमारे हक अधिकार की मांग करने के लिए जिला प्रशासन से झारखंड में पेशा कानून एक लागू होने के तहत जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है हिप सुरियल एरिया के सरदार, घाटवाल, नायक, पायक, देवरी, लाया, सोसन जागड़े आदि को मानदेय और हक अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला, इस विषय में हम लोग आए हैं जिला प्रशासन के समक्ष। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न प्रखंड से, घासशिला, पटमदा, पोहड़ागुड़ा, पोटका, जमशेदपुर, मुसाबनी, डुमुरिया,
और भी बहुत सारे क्षेत्रों से है। हमारे परंपरा प्रशासनिक व्यवस्था के पदाधिकारी लोग उनका हक अधिकार मिले। क्या नाम हुआ आपका? रतु सिंह सरदार, भारतीय आदिवासी भूमि समाज जिला सेक्रेटरी। हमारे आदिवासी भूमि समाज में जो सब हम लोग जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ देंगे नहीं, इसीलिए आज हम लोग ये रोड में उतरे हैं और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी ये लड़ाई चलती रहेगी। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बहुत क्षेत्र से आए हैं, पूरा झारखंड के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरी नाम है मालती सिंह, मैं जमशेदपुर से हूँ। मानगो में पुलिस के जवान समेत दो लोगों की हत्या का एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में दो और की तलाश जारी है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 17 में अपराधी सज्जात उर्फ टाडा और पुलिस जवान रामदेव की हत्या के एक आरोपी जमशेद आलम को मानगो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जमशेद की भी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। इसे लेकर दो आरोपी शेख असद और कादिर के घर की कुर्की कर चुकी है। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ इश्तेहार लगाया जा चुका है, जबकि मोइन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। राजू चौड़ा को बंगाल से गिरफ्तार कर लाया गया है। अब इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ओर से आने वाले दिनों में और कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। इस मामले के सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर अब मामले के आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में FIR दायर किया जा चुका है, जिसमें दो अलग अलग मामलों में 10 से अधिक आरोपी हैं। जमशेद आलम की गिरफ्तारी थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में चेपा पुल के समीप से किया गया। जमशेद आलम का MGM अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया गया। और गोलमोरी पुलिस ने एक साल से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इश्तेहार लगाया। गोविंदपुर का है आरोपी। जमशेदपुर के गोलमोरी पुलिस ने एक साल से फरार आरोपी रोशन प्रसाद के घर पर इश्तेहार चस्पा किया। रोशन गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अनंतनगर का रहने वाला है। उनके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला का केस दर्ज है। 2022 से वह फरार चल रहा है। जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है, जिसको गोलमोरी पुलिस ने चस्पा किया। गोलमोरी थाना में कांड संख्या 3/2022 लंबित है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वही ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। सभी प्रमुख चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था, गरीब बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरण सुनिश्चित करने एवं खुले में सोने वालों को रैन बसेरा में पहुंचाने का निर्देश। तापमान में गिरावट से बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रमुख चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन के आसपास में अलाव की व्यवस्था की गई है। सभी रैन बसेरा व आश्रय गृह में ठंड से बचाव हेतु कंबल, भोजन व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले स्थानों में ना सोए। अधिकारी हर संभव प्रयास करें कि ठंड से बचाव के लिए प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था हो और खुले में सोने वालों को रैन बसेरा में पहुँचाया जाए। इधर जमशेदपुर के रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिद्धगोड़ा जमशेदपुर में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब का उद्घाटन संपन्न हुआ। जमशेदपुर रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिद्धगोड़ा में दो स्टेम लैब का उद्घाटन 3 प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक आर्यमूर्ति द्वारा संपन्न हुआ। इन लैबों की स्थापना IT कंपनी इन्फोसिस द्वारा की गई है। इन लैबों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों के ज्ञान को विकसित करना है। श्री आर.एन. मूर्ति ने इसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से आज के युवा अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जर्मनी का उदाहरण प्रस्तुत किया। आज थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। उद्घाटन समारोह में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर के सचिव स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ में स्वामी महाभावानंद जी महाराज एवं स्वामी ईष्ट प्रेमानंद जी महाराज उपस्थित थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपूर्व दास ने मुख्य अतिथि आर.एन. मूर्ति एवं रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं की सराहनीय भूमिका रही। रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिद्धगोड़ा जमशेदपुर और विवेकानंद हिंदी मिडिल स्कूल, इस दोनों स्कूल इन्फोसिस कंपनी से दो दो स्टेम लैब स्पॉन्सर किया गया है और ये हमको मिला है। ये स्टेम लैब जहाँ की रोबोटिक्स
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस विषय को लेकर प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग हमारे जो स्टूडेंट्स उन लोगों को ये ट्रेनिंग प्राप्त करने का ये सुविधा मिलेगा। और ऐसे हमारा जमशेदपुर का 16 रामकृष्ण मिशन स्कूल को 13 ऐसा स्टेम लैब मिला है, ऑलमोस्ट दे स्पेंट 35 करोड़ फॉर दैट, सो वी आर थैंकफुल टू इन्फोसिस लैब फॉर दैट। यहाँ पे आर्डिनो एक लैंग्वेज है, उससे रिलेटेड हम लोग साइंस का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग आर्डिनो लैंग्वेज से रन करेंगे। जैसे हम लोग सॉइल मॉइस्चर चेक करेंगे कि मॉइस्चर में, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, वो सब हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, या एलईडी लाइट्स कैसे जलाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स कैसे वर्क करता है, ये सारा हम लोग आर्डिनो लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम लोग नया नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, उसके लिए जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे अगर हम लोग फिजिक्स लैब में कुछ काम करते हैं उसको अगर हम लोग साइंस के साथ टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों को ऐड करके कैसे कोई ट्रैफिक लाइट जलता है या कैसे मॉल में कोई डोर ओपन होता है या क्लोज होता है, वो सेंस के थ्रू होता है, वो सब चीज़ हम लोग उसको स्टार्टिंग लेवल में सिखाएंगे। उधर बिष्टुपुर स्थित चूनाशाह बाबा के मज़ार पर 53वें उर्स पर अकीदत मदों ने चादर पोशी की, अमन चैन के लिए मांगी गई दुआ। बिष्टुपुर स्थित चूनाशाह बाबा के मज़ार पर 53वां सालाना उर्स मनाया गया। गोलमोरी नामदा बस्ती से किन्नर समाज के लोगों ने चादर एवं संदल दरगाह से गश्त करते हुए दरगाह पहुँचे। चादर पोशी ऋतु किन्नर के नेतृत्व में किया गया। टाटा जमशेदपुर झारखंड से, क्या बोलते, नामदा बस्ती से नीलू नायक जी है, हमारे गुरु जी है ये, ठीक है। और हमारे गुरु जी निकालते हैं हर साल, हमारे बाबा को चादर चढ़ाते हैं, सभी के बाल बच्चे के लिए है ना, सबके लिए दुआ करते हैं कि सब अच्छे रहें, हमारे दाता जजमान अच्छा रहे, हमारा रोजी रोजगार बना रहे, इसलिए हम लोग हर साल निकालते हैं। और मेरी गुरु जी की भी मन्नत थी तो इसीलिए मेरे गुरु जी हर साल निकालते हैं, बाबा को चादर चढ़ाते हैं और हम सबके लिए निकालते हैं, मेरे गुरु जी सब अच्छे रहे बोल करके। हम लोग का मकसद है, हम लोग किन्नर लोग उनका परंपरा है, हर कल सब पूछी के लिए पिछड़ा लोग चूनाशाह बाबा का चादर चढ़ाता है, सबका हर दुख रोग भलाई, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है उसका बाल बच्चा हो, जिसका लड़का लड़की का शादी ब्याह नहीं होता है वो लोग उनका शादी ब्याह हो, हम लोग का चूनाशाह बाबा का पास दुआ मांगता है और हम लोग का दाता जजमान के लिए हम लोग का भी दुआ करता है, बाबा सबको अच्छा रखे। मेरा नाम लक्ष्मी किन्नर है। वहीं शहीद निर्मल महतो जयंती समारोह को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था आदि की समीक्षा की। शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को कदमा के उलियाने स्थित समाधि स्थल में सभा आयोजित है। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने मौके पर आयोजकों से कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी ली। सभा में आने वाले आगंतुकों के संबंध में चर्चा की गई। क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उलियान स्थित समाधि स्थल की साफ सफाई, सौंदर्यकरण, माल्यार्पण स्थल पर स्टेज निर्माण व मुख्य सभा स्थल पर मंच निर्माण की जांच को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए भी सभी एहतियातन कदम उठाने का निर्देश दिया गया। आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, बैरिकेटिंग आदि की भी समीक्षा कर सभी को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। और जयप्रकाश उद्यान के पास खरखाई नदी मुहाने पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा डूबने से बचाने का किया गया मॉक ड्रिल। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान के पास खरखाई नदी मुहाने पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा डूबने से बचने का किया गया मॉक ड्रिल। जानकारी देते हुए सरायकेला के ADC सुबोध कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा मिले निर्देशानुसार जिले में हर प्रकार की आपदा को लेकर बैठकें हो चुकी है, जिसका आज मॉक ड्रिल जयप्रकाश उद्यान के पास खरखई नदी के मुहाने पर किया गया, जहाँ नियंत्रण कक्ष के लोग, तमाम पुलिस पदाधिकारी, सरायकेला SDO पारुल सिंह, इंसिडेंट कमांडर के रूप में गम्हरिया के अंचल अधिकारी की मौजूदगी में डूबते हुए दो लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। मेडिकल टीम के द्वारा राहत कार्य करते हुए दर्शाया गया है एवं लोगों से अपील की जाती है कि आज के इस प्रगतिशील इंटरनेट की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मिलकर आपदा से निपटने की चीजों की जानकारी को आदान प्रदान करें एवं सुरक्षित रहे। जिला प्रशासन ने आपदा को लेकर जिम्मेदारी पूर्वक सभी कार्य सफलता से तैयार रखे हैं एवं कोशिश की जा रही है कि कोई भी आपदा आने पर जिलेवासियों को उससे बचाया जा सके। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है दिल्ली,
उनके निर्देशन में राज्य स्तरीय जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उनके माध्यम से कई दिनों से हम लोगों का यह एक्सरसाइज चल रहा है कि अगर बाढ़ आदि आता है या अन्य भी किसी भी प्रकार के जो ऐसे प्राकृतिक आपदा होते हैं जिसमें तत्क्षण एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और इसके लिए पहले से प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो उसको एक प्रैक्टिस करने के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज भी हुआ है और आज फिजिकली सभी जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां लोगों के डूबने की आशंका रहती है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसी दुर्घटनाएं होने पर कैसे हम एक्शन लेंगे इसके लिए पहले से जो हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए उस हिसाब से आज हम लोगों ने नियंत्रण कक्ष, रिलीफ सेंटर और साथ में बचाव दल जो होंगे, मेडिकल टीम जो होगी, इन सब की सहायता से आज हम लोगों ने एक प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 बनेगा, इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है, इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। Simply magnetic. Golcha Sadi Center. Golcha Sadi Center, a exclusive showroom of sarees, lehenga and suit. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। Golcha Sadi Center, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 7वां हिंदी महोत्सव का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस वर्ष हिंदी में प्रख्यात लेखक रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी महोत्सव समर्पित है। सरायकेला खरसवा आदित्यपुर प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय हिंदी महोत्सव का आयोजन करती है, जिसमें हिंदी भाषा को एक सम्मान देने की कोशिश की जाती है। पारंपरिक तौर तरीकों के साथ अतिथिगणों का स्वागत भी नृत्य और तिलक लगाकर किया जाता है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कैंपस में ओपन एरिया में बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ज्ञात हो कि 3 दिवसीय यह महोत्सव आयोजित है, जिसका समापन 23 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। प्रत्येक दिन हिंदी के विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व पर चिंतन मनन भी किया गया। ज्ञात हो कि इस प्रयोगित में न केवल जमशेदपुर के आसपास की टीम, विभिन्न क्षेत्रों के कॉलेज से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, साथ ही साथ विदेश के भी नामी विश्वविद्यालय से छात्र यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। प्रथम दिन हास्य कवि, प्रश्नोत्तरी एवं श्रीनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मंच पर
प्रस्तुतिकरण लोगों के मन को मोह लिया। सर, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय सुनाथ हिंदी महोत्सव है, जिसमें मुख्य ये है कि हम लोग हिंदी को प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ पे हिंदी से जुड़े साहित्यकार और उनकी रचनाओं को हम लोग प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो लिखो कहानी है, साहित्य के रंगोली है, आपका नृत्य नाटिका है, लघु नाटिका है, दीवार से जाए, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हिंदी को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट जमशेदपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में क्यूटिकॉन 2023 का आयोजन 23 और 24 दिसंबर को किया जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एवं लेप्रोलॉजिस्ट जमशेदपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में क्यूटिकॉन 2023 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य से 150 चर्म रोग विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। ना IADVL झारखंड जमशेदपुर चैप्टर की तरफ से 1.5 दिन का स्टेट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि सारे झारखंड से स्किन स्पेशलिस्ट इसमें भाग लेंगे, और झारखंड ही नहीं बाहर से भी, जैसे एम्स दिल्ली से, PGI चंडीगढ़ से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, उड़ीसा से, ये सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। मेन इसका थीम है कि हम लोग जो भी न्यू दवा है, नई दवा है, उससे मरीजों को कैसे फ़ायदा हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको फ़ायदा दे सके, जो कि आज अभी PGI में चल रहा है, जो एम्स दिल्ली में चल रहा है, उसका फ़ायदा हम लोग कैसे अपने MGM में, अपने TMH में या हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में उसको दे सके, वही मोटो है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अभी आजकल स्किन में एस्थेटिक बहुत सौंदर्य जो है चल रहा है, कॉस्मेटिक चल रहा है, तो उसमें हम लोग वर्कशॉप रखे हैं, जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, तो ये सारा चीज़ हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। यंग डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए सीखने के लिए भी है, और हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बाहर के जो डॉक्टर्स रहेंगे वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से कम खर्च में लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जारी किया आदेश। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे जिला अंतर्गत सभी स्कूल। शीतलहरी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया निर्णय। राज्य में शीतलहरी के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के ध्यान में रखते हुए संबंधित विद्यालय आवश्यकता अनुसार वर्ग 10 से वर्ग 12वीं तक के कक्षाओं का संचालन करेंगे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी स्कूलों को उक्त तिथि को बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से पूर्वी सिंहभूम जिला में लागू होगा। उधर नव वर्ष को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। नव वर्ष को देखते हुए सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं आगामी क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर उत्पाद विभाग छापेमारी अभियान जारी कर दिया गया है। अधीक्षक उत्पाद सरायकेला खरसवा के निर्देशानुसार गम्हरिया तथा कांडरा थाना अंतर्गत मुर्गागुटू बोर्डी बोरुडी नदी किनारे जंगल में संचालित अवैध चुलाई अड्डा पर उत्पाद छापामारी की गई, जिसमें कुल जावा महुआ 2000 किलोग्राम लगभग चुलाई शराब 50 लीटर संबंधित अवैध शराब कारोबारियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध उत्पाद अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कांडरा से एक व्यक्ति को अवैध चुलाई शराब 10 लीटर बेचते गिरफ्तार कर अग्रदर उत्पाद कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महिला मोर्चा की ओर से महाराष्ट्र की भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणीता देवरे अपने 2 दिनों के झारखंड प्रवास के क्रम में सरायकेला पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में महिलाओं के सम्मान उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने देश में महिलाओं के उत्थान और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाओं के माध्यम से कार्य किया है, जिसका नतीजा है कि हाल के राज्यों में चुनाव में 3 राज्यों में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को आशीर्वाद के तौर पर अपना मत देकर भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। उन्होंने अपने आगमन के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान उनके द्वारा नव युवतियों एवं लाभार्थियों से संवाद, आरोग्य सेवा का निरीक्षण और हो रहे कार्य, पंचायत की महिला मुखियाओं से संवाद और मिलेट ईयर की जानकारी संबंधित कार्य किए गए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर संवाद स्थापित किया गया। नमस्ते, मेरा नाम प्रणीता देवरे है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से मैं झारखंड में 2 दिन के दौरे पर आई थी। दौरे पर आने का उद्देश्य
हमारा नवयुति से सम्मेलन, लाभार्थी का सम्मेलन, आरोग्य सेवा देखना, पंचायत की हमारी मुखिया महिला जो है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम, मिलेट ईयर का कार्यक्रम, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम के दौर पर मैंने दो दिन का झारखंड में सरायकेला और खरसावां में दौरा किया है, हर एक मंडल में विजिट की है और भारतीय जनता पार्टी के विचार गांव-गांव में जाना चाहिए ये इसका प्रमुख हेतु है। जैसे हमने देखा कि अभी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने ज्यादा सराहा है, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए है। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जो योजनाएं दी है वो योजनाओं का स्वीकार महिलाओं ने किया है और वोट के तौर पर उनको आशीर्वाद मोदी जी को महिलाओं ने दिए है। भारतीय महिला मोर्चा की, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ और महिलाओं का सक्षमीकरण, उनका आत्मनिर्भर होना, इसके अनुरोध में हमने सबने यहाँ पर प्रवास किया है और महिलाओं का यहाँ पर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मुझे ये दो दिनों में मिला है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा पुलिस ने 7 ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार, एमजे में मेडिकल के बाद भेजा जेल। भाजपा के 3 विधायकों को सदन के बाहर किए जाने के खिलाफ भाजपाइयों में गुस्सा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मानगो में पुलिस के जवान समेत 2 लोगों की हत्या का एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। और राज्य में पेशा कर कानून को लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल मार्च कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।